दोस्तों बॉलीवुड में कई खलनायक यानी विलन हुए हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग का जलवा दिखाया है और दर्शकों को रोमांचित किया है। आज हम उन्हीं में से एक ऐसे अभिनेता की बात करने वाले हैं जिसने अपनी खलनायकी से बहुत प्रसिद्धि हासिल किया। एक विलन के रूप में उसने जितनी लोकप्रियता बटोरी, लगभग उतनी ही लोकप्रियता उसने पॉजिटिव रोल निभाकर बटोरी। हिंदी भाषा के अलावा उसने अन्य भाषाओं की फिल्में की और फिल्मों में काम किया, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल और पंजाबी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता शरद सक्सेना के बारे में। जो फिल्मों को देखते हैं उन्हें उनका नाम पता होगा। उन्होंने अपने शानदार अभिनय के दम पर खुद को मशहूर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया। 80-90 के दशक के दौरान उन्होंने दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता बटोरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शरद सक्सेना के जीवन के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको उनके शुरुआती जीवन, एक्टिंग करियर, साथ ही साथ उनके निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 17 अगस्त साल 1950 में एक हिंदू परिवार में सतना जिले में हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर से पूरा किया। उसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग के साथ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार भी किया। आपको बता दें कि उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। धीरे धीरे उनका ये शौक और आगे बढ़ा। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने की सोची और एक्टिंग को ही अपना करियर बनाने का सोचा, लेकिन उनके और उनके एक्टिंग के बीच उनके पिता आ गए। उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी होगी, तभी तुम फिल्मों की दुनिया में जा सकते हो। फिर क्या, अपने पिता की बात मानकर उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया। उसके बाद वो माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ गए और यहीं से शुरू हुई उनके संघर्ष की कहानी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने पैशन को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की फैमिलीज इसके खिलाफ होती हैं या फिर इस तरह की शर्तें बच्चों के सामने रखती हैं। हालांकि उनका इंटेंशन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शरद सक्सेना को फिल्मों की दुनिया में शोहरत मिली। मुंबई में आने के बाद उन्होंने कई फिल्मकारों की ऑफिसेस के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें कोई रोल नहीं मिला। यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला, लेकिन एक सपोर्टिंग रोल के रूप में, और वो भी एक विलन की भूमिका। दिखने में काफ़ी मजबूत और अच्छे कदकाठी के थे, इसलिए उन्हें ज़्यादातर नेगेटिव रोल ही ऑफर किए जाते थे। हालांकि उन्होंने मिलने वाले सभी अवसरों को ठुकराया नहीं, बल्कि उनको हाथों हाथ थरा। आखिरकार साल 1977 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और निर्देशक दीपक भैरी के निर्देशन में बनी हिंदी भाषा की फिल्म एजेंट विनोद में सहायक भूमिका के रूप में नजर आए, जिसमें उन्होंने मदनलाल के गुर्गे के रूप में काम किया। मुख्य किरदार के रूप में महेंद्र संधू थे, उन्होंने एजेंट विनोद की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में आशा सचदेव, रेहाना सुल्तान, जगदीप जैसे कलाकार भी शामिल थे। फिल्म को दर्शकों ने प्यार दिया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। आपको बता दें कि साल 2012 में इस फिल्म का शीर्षक इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो फिल्म रीमेक नहीं थी। उसके बाद वो साल 1979 में आई फिल्म काला पत्थर में दिखाई दिए, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक थे यश चोपड़ा। फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में शामिल थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, नीतू सिंह और राखी गुलजार। वहीं पर प्रेम चोपड़ा मुख्य खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ मैक मोहन और शरद सक्सेना के अलावा कई और सहायक अभिनेता शामिल थे। हालांकि फिल्म ज़्यादा सफल हो नहीं पाई, लेकिन फिल्म की प्रशंसा खूब की गई। फिल्म में एक रास्ता है जिंदगी गाने के लिए किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा कई कलाकारों को उनके बेस्ट एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। साल 1979 में ताराचंद बरचात्या द्वारा निर्मित और दीपक बहरी द्वारा निर्देशित फिल्म तराना में उन्हें फिर मौका मिला, जिसमें मुख्य किरदार को मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता कौर ने निभाया था। इसके अलावा ओम शिवपुरी, जगदीप, भगवान दादा, जयश्री टी जैसे कलाकार भी शामिल थे। शरद ने इसमें नेगेटिव रोल निभाया था। हालांकि उन्हें इन सभी फिल्मों में एक विलन के रूप में थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिल रही थी, लेकिन उस समय तक वो सफल अभिनेता बनने में असफल ही रहे। उसके बाद साल 1982 में रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखित फिल्म शक्ति में उन्होंने अभिनय किया, जिसमें वो लोबो की भूमिका में नजर आए। फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार शामिल थे, जैसे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, स्मिता पाटिल, राखी गुलजार, अमरीश पुरी। यह फिल्म काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी।
साथ ही ये दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ पर्दे पर दिखाने वाली पहली और एकमात्र फिल्म थी। भारतीय इतिहास में इसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसमें लगभग हर एक कलाकार को पुरस्कारों से नवाजा गया था। उन्होंने बॉलीवुड की कई और हिट फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे बॉक्सर, मिस्टर इंडिया, खतरों के खिलाड़ी, त्रिदेव, अग्निपथ, गुलाम, मां तुझे सलाम। इसके अलावा उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिससे वो और लोकप्रिय हुए, जैसे फिर हेरा फेरी, भागम भाग, दे दनादन, हंसी तो फंसी। जब उन्हें हिंदी फिल्मों में प्रसिद्धि मिलने लगी, तब उनके लिए कई और भाषाओं की फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर आने लगे, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले मलयालम भाषा की फिल्मों से शुरुआत किया। मलयालम भाषा की उनकी पहली फिल्म साल 1985 में आई थी, जिसका शीर्षक है जीवंते जीवन, और जिसे निर्देशित किया था जे विलियम्स ने। फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में शामिल थे मोहनलाल, मणियाम पिला राजू और आरती गुप्ता। शरद सक्सेना फिल्म में एक मुक्केबाज के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे आर्यन, किल्लुकम, अग्नि निवावु, निर्णायम, तक्षशिला और शुंगारा वेलन। उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उनकी पहली फिल्म थी गुना। इसके अलावा उन्होंने कई और तमिल भाषा की फिल्मों में काम किया है, जैसे मन्नान, सुंधाधीराम, नरसिम्हा और विवेकम। तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है, जिसमें से उनकी पहली फिल्म साल 1989 में आई थी, जिसका शीर्षक है अशोक चक्रवर्ती। उसके बाद उन्होंने साल 1991 में निर्णयम फिल्म में अभिनय किया, और उसके बाद मुथा मेस्त्री, मनी, गांधीवम, एसपी परशुराम और राजा सिंघम। उन्होंने एक पंजाबी भाषा की फिल्म में भी अभिनय किया है, जिसका शीर्षक है उच्च दर बाबे नानकदा। वो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है, जैसे महाभारत, जिसमें उन्होंने किचक की भूमिका निभाई थी। उसके बाद कानून, मैं दिल्ली हूँ, सजन रे झूठ मत बोलो, दोस्तों। उन्होंने कुल मिलाकर करीब 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अपने आप को सफल अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया है। उनकी पत्नी का नाम शोभा सक्सेना है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम विशाल सक्सेना है, जो कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है। उन्होंने कई फिल्मों की फोटोग्राफी करने के लिए जाना जाता है, जैसे खिलाड़ी 786, स्ट्रीट डांसर 3D, वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई और कुर्बान। बेटी का नाम वीरा सक्सेना है, जो एक अभिनेत्री है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें रेस 3, हंटर और वंस आईआर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अपने माता पिता के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, हालांकि उन्होंने फिल्मों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने अभिनय से सभी का दिल जीता है, लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। केवल साल 1998 में आई फिल्म गुलाम के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों, अपने नकारात्मक अभिनय से लोगों के दिलों की धड़कन बनने वाले अभिनेता शरद सक्सेना ने यह साबित कर दिया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए इस अभिनेता ने हर दिल को मनोरंजित किया है। अब वो 72 साल के हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है वो फिर किसी माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करने की कोशिश करेंगे, साथ ही दर्शक भी उन्हें प्यार उतना ही देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।